आज धवज की रसोई से हम लेकर आए एक यूनिक रेसिपी। हमने पिंगर बड़े बनाए हैं, साबूदाना के पिंगर बड़े। तो इस रेसिपी में क्या क्या सामान लगेगा और कैसे बनेगा वो सब हम आपको स्टेप बाय। ये बहुत क्रंची, ये देखिए क्रंची क्रंची बने हैं बहुत, और अंदर से सॉफ्ट है। ये देखते हैं, आपको बनाना बताते हैं और वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। चलिए हमारी किचन की ओर। हमारे साबूदाने भीग चुके हैं अच्छे से, तो ये देखिए खिले खिले साबूदाने हमारे। साबूदाने हमें से 5 से 6 घंटे 4 घंटे पहले ही भिगो दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। और हमारे 1 कप के करीब साबूदाने थे, आप अपने सदस्य या खाने के हिसाब से ले लीजिए 1 कप से 1.5 कप तक। और इसको हमने इसमें ले लिया है। हमारी रेसिपी ना साबूदाने अच्छे गलेंगे तो अच्छी बनेगी, तो इस बात का ध्यान रखें। और सारे साबूदाने ले लिए। और ये हमारा एक आलू है, उसको हम मिक्स करके इसमें ले लेंगे। आलू मिक्स करके लेना है, आप चाहे तो किसके भी ले सकते हैं। कद्दूकस करके इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पहले आलू और साबूदाने को हम अच्छे मिक्स करने हैं इन्हें। और ये हमारा मिक्स हो चुका आलू और साबूदाने। अब हम इसमें कुट्टू का आटा लेंगे, जो कि हमारा 1 कप से कम है और 1/2 कप से ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो इसमें हम 1/4 टीस्पून हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 2 हमारी हरी मिर्ची है उसको ऐड करेंगे इसमें। और 1/2 कप के करीब हमारे मूंगफली दाने हैं दरदरे, उनको भी ले लेंगे। 1 टीस्पून जीरा लेंगे हम, स्वाद अनुसार नमक लेंगे इसमें, सेंधा नमक। और हरी चटनी लेंगे जो बारीक कटी हुई है, इसको भी लेंगे। आप इसमें काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, हमारे यहाँ ये काली मिर्ची का कम सेवन होता है, तो हम उसमें काली मिर्ची नहीं ले रहे, लाल मिर्ची ले रहे हैं। और सारे हमने हरे धनिया के पत्ते मिला लिए। आप व्रत में अगर हरे धनिया के पत्ते ना खाते हो ना, हरे धनिया, तो इसमें हरे धनिया ना लीजिए। हमारे यहाँ पर हरे धनिया खा लेते हैं, तो हम इसमें मिला रहे हैं। और जैसे कि जीरा भी नहीं खाते कहीं कहीं पर व्रत, आप जीरा नहीं खाते हो व्रत में, तो उसको भी ना मिलाइए, स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम सारे मिक्सर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको पानी की इसमें आवश्यकता लगे तो पानी ले लीजिए, और ज़्यादा अगर गीला लगे तो कुट्टू का आटा या राजगिरा का आटा जो लेते हैं आप ब्रेड वाला आटा, उसमें थोड़ा सा ले लीजिए। तो हम इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटे का डो बना लेंगे अच्छे सा, इसको गूंथ लेंगे यानी कि। और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। इस तरीके से हमने इसका डो बना लिया है, अब इसको रख देते हैं साइड पे, हाथ साफ करके हम इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक तवा लिया, उसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल भी आप ड्रिप फ्राई करें तो ऑयल ज़्यादा ले लीजिए, अगर सेक के ही खाए तो कम ऑयल ले लीजिए। तो हम तो इसमें हाफ डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल ज़्यादा लेंगे थोड़ा। इसमें इतना तेल लिया है 100 ग्राम के करीब। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं फलियार को, ये व्रत का खाना बन रहा है। हमने इसमें क्या है कि रिफाइंड ऑयल लिया है, और हम इसके हमारा थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस मिक्सर से एक डिजाइन बनाएंगे अच्छी सी रेसिपी। तो ये हमारा यूनिक फलियार बन रहा है व्रत का, तो ये ना बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाता है। तो हम इसकी डिजाइन बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिए इसको। लेकिन हम ना इसमें सिलेंडर वाली बना रहे हैं, ना ज़्यादा छोटी ना बड़ी, मीडियम साइज बनाएंगे इसकी। तरीके से लिया हमने और इसको इस तरीके से प्रेस करा हाथों को, और इसमें इस तरीके से और इसको प्रेस करा हल्के हाथों से, और अच्छे से शेप दे दिया इसका। एक साइज में रखना है, ज़्यादा मोटा पतला नहीं रखना है। और इस तरीके से ये हमारी एक डिजाइन बन गई है। अब इसको हम अगल रख लेंगे, दूसरी बनाएंगे। और थोड़ा सा ऑयल ले लिया हाथों में, और इस तरीके से इसको उठाया डो को, और इसको प्रेस करते हुए दबाते हुए अच्छे से मिक्सर को, और वही सिलेंडर का आकार में, लेकिन सिलेंडर जैसा नहीं, थोड़ा बड़ा लेना हमें। इसे हम बोलते हैं साबूदाने के पिंगर बड़े, पिंगर की साइज में है ये, तो पिंगर बड़े बन रहे हैं साबूदाने के। तो इसको सेम उसी, ये देखिए है ना, इस तरीके से सारे बना लेंगे हम इसी तरीके। लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारे पिंगर बड़े बना लिए साबूदाने के। अब इसको हम फ्राई करेंगे, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। हमारा ऑयल भी गरम है, हम एक एक करके इनको आराम से
जमा देंगे जितने इसमें बन जाएंगे हमारे तवे पर। आप चाहे तो कढ़ैया में भी सेक सकते हैं, लेकिन इसमें क्या सहूलियत होती है, एक साथ सारे बन जाते हैं। और इसको एक साइड सिक जाए फिर हम दूसरी साइड पलटेंगे। अभी इसको एक मिनट के लिए मतलब कम आँच में सेकना है। एक बार ऑयल अच्छा गर्म हो जाए फिर हमें एक बार नीचे सिक जाए दूसरी दान। अब इनको हम पलट लेंगे, एक साइड ये सिक चुके हैं और आराम आराम से पलटेंगे इन्हें, क्योंकि हम ये साबूदाना बड़े ना लंबे बने हैं और इसका फिंगर साइज है तो ज़्यादा लंबे। आराम से हमें इनको पलटना है ताकि ये टूटे नहीं, और दोनों साइड उलटते पलटते हम गोल्डन ब्राउन तक अच्छे कुरकुरे होने तक सेक लेंगे। ये बहुत जल्दी बनता है दोस्तों, और 5 मिनट लगते हैं इन्हें बनने में, और हम अगर सामान तैयार करके बनाएंगे तो 10 मिनट लगेगा। और सामान हमारा अगर तैयार है सारा तो इसमें 5 मिनट लगेगा। और ये ना ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं, और नवरात्रे चल रहे हैं तो ये बेस्ट चॉइस है व्रत के फलियार की। तो आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करना। इनको सारे को हम सेक लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमने इन्हें दोनों साइड उलटते पलटते चारों साइड अच्छे से सेक लिए हैं। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और कुरकुरे सिक चुके हैं। इन्हें निकाल ले, हम इन्हें अगले बर्तन में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स सिक चुके हैं ये अच्छे, और इन्हें 3 मिनट लगा सिकने में। तो आप अपने हिसाब से गैस कम ज़्यादा आँच कम ज़्यादा में सेकते हैं ये, तो उस हिसाब से सीख लीजिए। और ये सारे सीख चुके हैं, ये बहुत टेस्टी है दोस्तों, वो जल्दी बन जाता है। तो आप कब बना रहे हैं ये रेसिपी, नौरता चल रहे हैं नवरात्रा, तो जल्दी जल्दी बना लीजिए। सारे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये निकाल लिए हमने, इसी तरीके से हम दूसरी दान के भी सेक लेंगे, सारे इसी तरीके से सेक लेंगे। तो सारे इस तरीके से सेक लेंगे, और बाकी बचे हुए भी ये हमने छोटे बनाए हैं, कुछ छोटे साइज के बनाए कुछ बड़े साइज के। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे साबूदाना फिंगर बड़े बनके तैयार है, और हमने इनको सादा दही के साथ निकाला है, सिर्फ नमक मिलाया सेंधा दही में, और बस कुछ भी नहीं मिलाया। आप अगर दही में चटनी वगैरह यूज़ करते हैं व्रत में तो उसमें डाल सकते हैं दही में, वरना इसको ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है दोस्तों, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। हमने तो इनको एक एक दो दो टेस्ट भी कर लिए हैं। और आप सब कमेंट जरूर करके बताना कैसी रहेगी हमारी रेसिपी, और वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये बहुत क्रंची क्रंची बने हैं, ये देखिए है ना, इनका क्रंचीपन कितना अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से क्रंची क्रंची है। और इनको हम आपको अंदर का भी टेक्सचर बताते हैं, ये देखिए है ना, अंदर तक सॉफ्ट बने, अंदर सॉफ्ट है और सिक गए हैं, ये देखिए है ना। तो आप कब कर रहे हैं ये रेसिपी ट्राई, ज़रूर बताना। और ये दही के साथ इसका खाने का तो है ना मज़ा ही अलग है दही के साथ। तो आप भी फिंगर बड़े बनाइए, साबूदाना के फिंगर बड़े जल्दी जल्दी बना लीजिए, नवरात्रे एक दो दिन के और हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट और आपकी लाइक और आपका सब्सक्राइब सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।